नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन ब्राह्मी के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्राह्मी प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका साइंटिफिक नेम दोस्तों बकोपा मोनियरी है। ब्राह्मी मेनली ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। दोस्तों ये भारतीय औषधि है, ये आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है। आयुर्वेद में अलग अलग बीमारियों में और होम्योपैथी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है। दोस्तों ब्राह्मी जो शब्द है वो हिंदू देवता ब्रह्मा से लिया गया है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ब्राह्मी हमारे शरीर में असर कहाँ करती है और क्या करती है, उसके बाद जानेंगे दोस्तों कि ब्राह्मी के लक्षण क्या होते हैं, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको किन किन बीमारियों में ब्राह्मी मदर टिंचर या ब्राह्मी लेना चाहिए और किस पोटेंसी में ब्राह्मी लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ब्राह्मी हमारे शरीर में असर कहाँ करती है और क्या करती है। तो दोस्तों ब्राह्मी जब हम लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में जाके असर करती है, हमारे ब्रेन में जाके असर करती है और ब्रेन सेल्स को, नर्व सेल्स को स्टिमुलेट करती है, जिससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों नर्व सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। दोस्तों ब्राह्मी अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर में कहीं ट्यूमर होता है तो ट्यूमर को गलाने में, उसको ख़त्म करने के लिए ब्राह्मी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दोस्तों ये था एक्शन ब्राह्मी का। अब चलते हैं लक्षण की तरफ कि क्या आपको लक्षण दिखेंगे और किस लक्षण में आपको ब्राह्मी लेना चाहिए दोस्तों। दोस्तों सबसे पहला लक्षण है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ही कम है और आपकी स्मरण शक्ति बहुत ही कम है, जिसके कारण आप चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मैंने एक पैराग्राफ पढ़ ली और उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ा था। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको ब्राह्मी मदर टिंचर लेना चाहिए दोस्तों। अगर आप चाबी भूल जाते हैं, ताला लगा के कहीं रख देते हैं और उसके बाद चाबी भूल जाते हैं, तो आपको ब्राह्मी मदर टिंचर लेना चाहिए दोस्तों। अगर आपके बच्चे पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं या वो याद अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जो भी उनके लेसन्स होते हैं, जो भी वो पढ़ाई करते हैं वो अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं, तो ब्राह्मी मदर टिंचर या ब्राह्मी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ब्राह्मी जो है वो हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। होम्योपैथी में अगर आपकी मेमोरी पावर कम है तो आप ब्राह्मी मदर टिंचर ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों दूसरा लक्षण है वूपिंग कफ, कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत तेज़ से वूप होती है, बहुत तेज़ से इस टाइप की अगर आपको खांसी होती है, और बहुत सारी मेडिसिंस आपने ले के देख ली है, होम्योपैथिक भी ले ली है, आयुर्वेद भी ले ली है और उसके साथ एलोपैथ भी ले ली है, और किसी से भी अगर आपकी वूपिंग कफ ठीक नहीं हुई है तो आप ब्राह्मी मदर टिंचर ज़रूर लेके देखें। अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, HB परसेंटेज कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं, और अगर आम भाषा में बोले तो खून की कमी बोलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आपको खून की कमी है, जिसके कारण आपको चक्कर आता है, जिसके कारण आपको सुस्ती लगती है, जिसके कारण आपको वीकनेस लगती है, कमज़ोरी लगती है, काम करने में आपको हाँफी आने लगती है, तो ये सब लक्षण होते हैं एनीमिया के। ब्राह्मी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों एनीमिया में। तो अगर आपके पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, आपके पैर जो है एकदम से अकड़ जाते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हल्के हाथ से आप जब हिलाते हैं तो धीरे से वो सही हो जाता है, लेकिन ये प्रोसेस बार बार होती है आपको, तो आप ब्राह्मी मदर टिंचर ले सकते हैं दोस्तों। मलेरिया के बाद या कोई बड़ी बीमारी के बाद हमारी स्प्लीन जो है वो बड़ी हो जाती है, जिसको हम एनलार्ज स्प्लीन बोलते हैं, और इस कंडीशन में ब्राह्मी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ब्राह्मी मिर्गी में एपिलेप्सी में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, खासकर ऐसे लोग जिनकी मेमोरी जो है वो बहुत कम है और उनकी याद करने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है, साथ में उनको मिर्गी की भी प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी की भी प्रॉब्लम है, तो ब्राह्मी मदर टिंचर ले सकते हैं। लास्ट में दोस्तों ब्राह्मी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ब्रेन ट्यूमर के लिए। अगर दिमाग में ट्यूमर हो जाता है, और ये बहुत ही आम समस्या हो गई है इस समय और बहुत ही ख़राब बीमारी है ये ब्रेन ट्यूमर, और ब्रेन ट्यूमर में ब्राह्मी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो ये थे इसके लक्षण। अब चलते हैं किन किन बीमारियों में
आपको ब्राह्मी लेना चाहिए। तो मैंने लगभग लगभग आप लोगों को बीमारी तो बता दी है, तो ब्राह्मी मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आपकी याददाश्त कम रहती है। दोस्तों जिन लोगों की याददाश्त कम रहती है उनकी याददाश्त बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए ब्राह्मी मदर टिंचर में देना चाहिए। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ ब्राह्मी मदर टिंचर का, तो आप अच्छे से देख लीजिए और उसको आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए। दोस्तों आधा कप पानी लीजिए, ब्राह्मी मदर टिंचर 20 बूंद उसमें डालिए, उसको सुबह सुबह लीजिए और खासकर खाली पेट पीना है। एक बार सुबह, एक बार दोपहर में खाना खाने के 1-2 घंटे बाद पीजिए, उसके बाद एक बार रात में पीजिए। ऐसा करके अगर आप 3 से 4 महीने तक ये लगातार औषधि लेते हैं तो आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत याददाश्त आपकी बढ़ जाएगी। दोस्तों ब्राह्मी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एपिलेप्सी के केस में, मिर्गी के केस में, और इस केस में आपको ब्राह्मी मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार देना है। दोस्तों अगर आपको ब्रेन ट्यूमर होता है तो आप ब्राह्मी मदर टिंचर ले सकते हैं। दोस्तों ब्राह्मी मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए। तो अगर आपको वूपिंग कफ होता है, कुकुर खांसी की प्रॉब्लम है, खांसी बहुत ज़्यादा सूखी खांसी की प्रॉब्लम है, तो आप ब्राह्मी मदर टिंचर ले सकते हैं। इस कंडीशन में ब्राह्मी मदर टिंचर आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद डाल के दिन में 3 से 4 बार लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लगभग आपको ये मेडिसिन 7 से लेकर 10 दिन तक लेना है। दोस्तों अगर आपकी स्प्लीन बढ़ गई है तो आप ब्राह्मी मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। लगभग 3 महीने तक इस मेडिसिन को लेना है। दोस्तों अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है तो आप ब्राह्मी मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए, लगभग 1 महीने तक लेंगे तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मी मदर टिंचर अगर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते हैं और आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ापन है आपके अंदर, तो ब्राह्मी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप ब्राह्मी मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इससे एंजाइटी चिड़चिड़ापन कम होता है। दोस्तों तो ब्राह्मी ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया एक आशीर्वाद है जिसको आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इंडियन मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों मेमोरी लॉस में, एपिलेप्सी में, ब्रेन ट्यूमर में और एनीमिया में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके उस बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन है तो शेयर अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में इस वीडियो को ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों नीचे एक मैसेज सेक्शन है तो आप मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगा और उसका आंसर दे दूँगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।